9 दिसंबर को राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बाद भी समान नागरिक संहिता बिल 2020 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे पेश किया था। इसमें पक्ष में 62 तो वहीं विरोध में 23 वोट पड़े थे। व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति या समुदाय का क्यों ना हो। तो अगर ये बिल सबको समान अधिकार देता है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? 7 दिसंबर को शुरू हुए संसद के सत्र में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है। ये सत्र 29 दिसंबर तक चलने वाला है, मतलब साफ है अभी काफी हंगामा होना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बिल का प्रस्ताव पेश किया गया विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सभापति धनकर विपक्ष के वर्ताव को लेकर नाराज भी हुए। सभापति ने उठकर कहा कि सदस्यों के पास बिल पेश करने का अधिकार है, अगर इससे किसी भी सदस्य को परेशानी है तो उन्हें इस पर राय रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह विरोध करने की जरूरत नहीं है। सांसदों को शांत कराने के बाद उन्हें इस बिल पर राय देने को कहा गया। फिर वोटिंग हुई और भारी मतों से इसे पेश किया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके और तमाम विपक्षी दलों ने बिल पेश करने का जोरदार विरोध किया। बिल को पेश करने का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि मुसलमान अपनी चचेरी बहन से शादी करना सबसे सही मानते हैं, क्या हिंदू ऐसा कर सकते हैं? ऐसा तर्क देते हुए उन्होंने कहा, इसीलिए सभी धर्मों की अलग अलग परंपरा है। हम जानते हैं, देखिए, मुस्लिम्स में चचेरी बहन से शादी करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्या हिंदुओं में ऐसा संभव है? आप समान संहिता की बात करते हैं तो इधर से लागू करोगे या उधर से लागू करोगे? इसलिए ये अनावश्यक बातें, अब देश में शांति बनाए रखो, 15-15 लाख रुपया लोगों की जेबों तक पहुंचाने का काम करो, ये काम ये वापस कर लो मीना साहब। वे राज्यसभा में हंगामा होने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी सदस्य को बिल पेश करने और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का अधिकार है, इसके लिए राज्यसभा में बहस होनी चाहिए। इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाना और विधेयक की आलोचना करने की कोशिश करना अनुचित है। विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्ष की ओर से 3 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें कहा गया था कि ये देश को तोड़ देगा और इसकी विविध संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के चुनावी वादों में से एक है। बीजेपी शासित कई राज्यों में यूसीसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हर राज्य को ये इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव हमारे संविधान ने दिया है। किन्हीं कारणों से हमारे देश में नहीं हो पाया, अभी गोवा में है, अब उत्तराखंड कर रहा है, हिमाचल करने वाला है, गुजरात करने वाला है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी राज्यों को ये करना है। आजादी के बाद भारत में बनी पहली सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, जिसका उद्देश्य बताया गया कि ये हिंदू समाज की महिलाओं को उन पर लगी बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। ये बिल तब पास नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ कई कानून बनाए गए। हिंदुओं के लिए मैरिज एक्ट, उत्तराधिकारी के अधिकारों के लिए अलग कानून और तलाक और प्रॉपर्टी के लिए अलग नियम बनाए गए। कई कानूनों में सिख, बौद्ध और दूसरे धर्मों को भी दायरे में लाया गया, लेकिन आज भी मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि कई दूसरे समुदायों में भी कुछ परंपराएं चली आ रही है, जैसा कि राज्यसभा में राम गोपाल यादव ने कहा। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि आज विश्व में ऐसे 20 से ज्यादा इस्लामिक देश है जिन्होंने 3 बार तलाक बोलने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की जैसे कई और देश शामिल है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने वालों का मानना है कि चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या संस्कृति का हो, उस पर भी वही कानून लागू होगा जो बाकी जनता के लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही बताने वालों की दलील है कि अब समय के साथ बदलने का वक्त आ गया है और बहुत सारे समाज सुधारों की आवश्यकता जरूरी हो गई है। हिंदू समाज ने कई सुधारों का दौर देखा है, इसीलिए समय समय पर कई प्रथाएं पूरी तरह समाप्त भी हो चुकी है। लेकिन मुस्लिम समाज में सामाजिक स्तर पर सुधार के काम नहीं हुए हैं और बहुत ही प्राचीन मान्यताओं के आधार पर ही सब कुछ होता चला रहा है। अगर ये लागू होता है तो इसमें ज्यादा लाभ हर समाज की महिलाओं को होगा जो पितृसत्ता के शिकार होने पर मजबूर हो चुके हैं। इस बिल के विरोध करने वालों का दावा यह है कि समान नागरिक संहिता पर सिर्फ राजनीति हो सकती है मगर किसी का भला नहीं हो सकता। उनका कहना है कि सभी धर्मावलंबी अपनी संस्कृति और परंपराओं के मुताबिक चलने के लिए आजाद है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का आरोप है कि समान नागरिक संहिता का प्रारूप बहुसंख्यकवादी ही होगा और उसे बाकी सब पर थोप दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।